एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों की टीम ने गंभीर अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आई गर्भवती महिला को नया जीवन प्रदान किया है। इस उपलब्धि पर अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी से डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद एवं साधुवाद दिया गया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कार्य कुशलता छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों में भी देखे जाने लगी है। यही वजह है कि अस्पताल की उपलब्धि की चर्चा सुनकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला निवासी विवेकानंद मिश्रा ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर गंभीर अवस्था में अपनी पत्नी प्रतिमा मिश्रा को एसआर हॉस्पिटल चिखली में भर्ती कराया। मरीज की तिल्ली काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिससे अतड़ियों की नसों में काफ़ी दबाव बढ़ जाने से और खून की नसें फैल जाने से रक्तस्राव हो रहा था। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की जांच उपरांत केस की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन किया। अब मां और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। महिला के पति विवेकानंद मिश्रा और महिला प्रतिमा मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर्स का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं विवेकानंद मिश्रा, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ दूसरी बार गर्भवती थी और चिकित्सा जांचों से हमें पता चला कि इनकी जो प्रेगनेंसी है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था उसमें, कई तरह के पोर्टल हाइपरटेंशन, कई तरह की चीज़ें थी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी। और डॉक्टर के अनुसार 90% से ज़्यादा का सर्वाइवल का चांस नहीं था और माता को जान का जोखिम बताया गया था। उसके बाद कहीं से मुझे एसआर हॉस्पिटल जो छत्तीसगढ़ में चिखली में है उसका पता चला। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रारंभिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको एडमिट कराया गया। अस्पताल और डॉक्टरों के अथक प्रयास और काफ़ी अच्छी सुविधा के बाद मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ, जो कि सक्सेसफुल रहा। अभी फ़िलहाल मेरी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसआर हॉस्पिटल का कि इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ, जो कि हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि वाइफ की लाइफ थ्रेटनिंग इतनी ज़्यादा है और हतोत्साहित थे, पर अस्पताल से जो सुविधाएं मिली या जो मेडिकल संभावनाएं संभवित हो पाई उससे आज मेरी पत्नी और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं और हम यहाँ से डिस्चार्ज होकर अब घर जाने वाले हैं। मैं देवरिया जिला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है। मेरी डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया। मैं यूपी से आई हुई हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मुझे ऐसा हॉस्पिटल चिखली का पता चला, तो फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मुझे सारी सुविधाओं के अनुसार बढ़िया ट्रीटमेंट मिला। मेरा बेबी भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। हॉस्पिटल सुविधा कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। डॉक्टर पवन देशमुख, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थेसिया तथा आईसीयू इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ प्रतिमा मिश्रा नामक 24 वर्षीय महिला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आई थी। मरीज 9 माह की गर्भवती थी। जो मरीज को पुराना तिल्ली का परेशानी था, मरीज की तिल्ली काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण शरीर में प्लेटलेट नामक रक्तकण काफ़ी मात्रा में कम हो गए थे। तिल्ली के बड़े होने के कारण जो पोर्टल हाइपरटेंशन नामक एक बीमारी होती है, जिसमें जो अतड़ियों की नसें हैं उनमें दबाव काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके खाने की नली में जो खून की नसें हैं वो फैल गई थी, जिससे बार बार रक्तस्राव हो रहा था। जो खाने की नली थी उसमें से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए इसके पहले भी 2 बार उनका एंडोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन किया जा चुका था। चूँकि अब महिला 9 माह की गर्भवती थी, ऐसी अवस्था में उनका जो तिल्ली का परेशानी था वो काफ़ी बढ़ गया था, और चूँकि उनकी डिलीवरी भी कराना भी उतना ही आवश्यक था, मगर तिल्ली के बढ़ जाने के कारण और जो सफ़ेद रक्तकण प्लेटलेट जो थे उनकी कमी के कारण जो ऑपरेशन था वो काफ़ी रिस्की था, जिसमें काफ़ी जान का खतरा था। महिला कई अनेक अस्पतालों में गई, पर जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी गई। ऐसी गंभीर अवस्था में महिला एसआर हॉस्पिटल में आई। हमारे डॉक्टरों की टीम ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। उनके जो प्लेटलेट कम थे उसकी सारी तैयारी की गई, साथ ही एक गैस्ट्रो सर्जन हमने स्टैंड बाय पे रखे, और हमारे जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर श्वेता रानी प्रसाद, उन्होंने ऑपरेशन किया।
12 तारीख को महिला का सिजेरियन किया गया और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि महिला और तथा उसके बच्चे दोनों को बचाने में हम सफल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, SR हॉस्पिटल चिखली धमधा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण केस, जो कि हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, वो आप लोग के समक्ष डिस्कस करना चाहती हूँ। मरीज प्रतिमा मिश्रा, जो कि 24 साल की महिला, जिनका दूसरे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास वो 9वें महीने में इलाज के लिए आई, जिनकी हिस्ट्री में जिनके पहले पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की बीमारी से ग्रसित थी। इनका 2 साल पहले ईसोफेगस यानी कि आहार की नली में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने के कारण, जिसको हम वेराइसिस कहते हैं, उनके कारण ईसोफेजियल बैंडिंग भी 5 बार हो चुका था 2 साल पहले। अभी हमारे पास वो अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आई, जिसमें बच्चे का वज़न भी कम था, मरीज का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव था और उनका पोर्टल हाइपरटेंशन वो भी बढ़ा हुआ था और उनका स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली कहते हैं हमारी आम भाषा में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो हमारे यहाँ पूरे डॉक्टरों की सम्मिलित टीम ने उनका एग्जामिनेशन किया, पूरा उनको काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद हमने उन्हें प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद, प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद हमने उन्हें सारा चीज़ों से अवगत कराया। हमारे पास सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, उनके साथ हमने कंबाइंड सारा उनका एडमिशन किया। उसके बाद हमने उनका सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराया। यह ऑपरेशन एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इसमें ब्लड ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। मरीज का पूरा कोलेट्रल्स बना हुआ था, इपिगैस्टियम जाने की पेट के ऊपरी हिस्से में, यूट्रस के हिस्से में, लीवर के हिस्से में, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। परंतु पूरे डॉक्टरों के कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह केस बहुत अच्छे से हो पाया। आज मरीज व उसका बच्चा दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं एवं मरीज को हम डिस्चार्ज करते हैं। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों से लैस SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में गर्भवती महिला की सर्जरी में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के साथ निश्चेतना विशेषज्ञ, गैस्ट्रो सर्जन, गैस्ट्रो एंटोलॉजिस्ट एवं बाल व शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने महिला को नया जीवन देने सफल ऑपरेशन पर टीम को धन्यवाद और साधुवाद दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।